स्वागत है एक बार फिर से डंके की चोट पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 665 करोड़ की तीन बड़ी योजनाओं को शिलान्यास किया। हेमंत सोरेन ने सिरम टोली फ्लाईओवर के साथ विकास नामकुम फोरलेन सड़क और अरगोड़ा कटहल मोड़ सड़क के चौड़ीकरण का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। पहले से रिपोर्ट को देखिए। जन्माष्टमी पर राजधानी रांची को सौगात, 665 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, सिरम टोली फ्लाईओवर की आधारशिला, राजधानी के लोगों को जाम से मिलेगी निजात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 665 करोड़ की तीन बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया है। रांची के सरना स्थल मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने सिरम टोली फ्लाईओवर के साथ ही विकास विद्यालय से नामकुम फोरलेन सड़क और अरगोड़ा कटहल मोड़ सड़क के चौड़ीकरण की आधारशिला रखी। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम आज शिलान्यास के रूप में हो चुका, लेकिन इसका सॉइल टेस्टिंग और बाकी काम जारी भी है। राजधानी को सौगात, सिरम टोली फ्लाईओवर का सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। सिरम टोली चौक से पटेल राजेंद्र चौक होकर मेकॉन गोलचक्कर तक बनेगा ये फ्लाईओवर। 340 करोड़ 69 लाख की लागत से बनेगा 2.34 किलोमीटर लंबा सिरम टोली फ्लाईओवर। विकास से नामकुम के बीच 15.21 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का भी शिलान्यास। कूटी मोड़ से कोकर चौक और काटा टोली चौक होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक बनेगी सड़क। विकास से नामकुम फोरलेन सड़क बनाने में 129 करोड़ की आएगी लागत। विकास से नामकुम फोरलेन सड़क के बीच बनेगा डिवाइडर। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक की सड़क के चौड़ीकरण का भी शिलान्यास। 197 करोड़ की लागत से होगा सड़क का चौड़ीकरण। सीएम ने राजधानी में जाम की समस्या पर चिंता जताई, साथ ही कहा कि इस फ्लाईओवर और सड़क के बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं, गाड़ी छोड़कर के आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, ये स्थिति बनी रहती है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ट्रैफिक नियमों को तोड़कर लोग हादसों को दावत देते हैं, गलत तरीके से डिवाइडर को पार करते हैं, जिससे न सिर्फ हादसे होते हैं बल्कि हादसे के बाद मारपीट और सड़क जाम से कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी आदतों में सुधार लाने की अपील की। लेकिन हमारे कुछ लोग उस डिवाइडर को कूद कूद करके जाते हैं, लड़का बच्चा तो बच्चा, औरतें भी चढ़ चढ़ के उसमें से जाती हैं, पता नहीं कैसे जाती है, समझ में नहीं आता। छोटा छोटा जगह है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें घुस के निकल जाता है। गाड़ियां भी काफी रफ्तार से जाती हैं, कहीं कोई दुर्घटना घट जाए तो गाड़ी वाले की पिटाई हो जाए। क्यों ऐसी नौबतें आती हैं, क्यों हम अपनी आदतें नहीं बदलते? थोड़ा सा चल लेंगे तो हमारा शरीर ही ठीक रहेगा। समय बचाने के चक्कर में, शॉर्टकट मारने के चक्कर में कभी कभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री ने सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। वहीं इस शिलान्यास कार्यक्रम में श्रम मंत्री सतानंद भोक्ता, सांसद संजय सेठ और महुआ माझी के अलावा विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, जिस तरह से लगातार जो है जाम की स्थिति राजधानी रांची में बनी रही है, ये कोई नया नहीं है कि हम कहें कि एक दो साल से जाम की स्थिति है। आप 10 साल पहले भी उठाएंगे रांची की तस्वीर को देखेंगे तो उस वक्त भी जाम की स्थिति, और लंबे वक्त तक ये कहा जा रहा था, ये मांगे हो रही थी कि भाई झारखंड की राजधानी है रांची, कम से कम यहाँ दूसरे आप ज़िलों में चल जाइए, वहाँ कई सारे फ्लाईओवर मिल जाएंगे। धनबाद आप चले जाइए, आप जमशेदपुर चले जाइए, राजधानी रांची में होना चाहिए फ्लाईओवर और यहाँ पर भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। देखिए अब सीएम का ये तोहफा राजधानी रांची वासियों को कब तक बनकर पूरा हो पाएगा, कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों के लिए।
देखिए फायदा तो होगा ही, और क्यों नहीं बन पाया इसके भी कारण हम आप जानते हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों से फ्लाईओवर बनाया जाना है कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई विवाद होता है और संबंधित विधायक और सांसद उसमें कूद पड़ते हैं और लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उन्हें वोट बैंक की चिंता होती है, इस कारण से काम आगे नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं कि पहले भी प्रयास किए गए थे, हरमुख के पास भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्यक्रम था जो कि राजभवन के पास इधर तक आता, काम भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा था, लेकिन क्या है ना कि लोगों की मानसिकता कुछ अलग है। आप देखें कि कटहल मोड़ और अरगोड़ा के बीच जो सड़क का चौड़ीकरण होना है उसमें आरंभ से अरगोड़ा से लेकर आप थोड़ा सा जाएं आप लगभग 1.25 किलोमीटर तक, वहाँ पर घनी आबादी है, वहाँ के आसपास के लोग जमीन देने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन है, पुराने घर हैं वहाँ पर, लोगों का एक लगाव रहता है कि मेरे बाप दादा का घर है, पुरानी बस्ती वो कहलाती है, और तो वहाँ पर ये समस्या आती है कि भूमि अर्जन में समस्या आती है, लोग देने को तैयार नहीं होते, इसलिए परियोजना पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए अरगोड़ा से आप देखिए 1.25 किलोमीटर तक वो टू वे रहेगा, मैंने दो लेन की सड़क रहेगी, उसके बाद से ये 4-4 लेन सड़क हो जाएगी, उधर कहीं कोई परेशानी नहीं है और ये प्रोजेक्ट जल्दी मुझे लगता है कि पूरा भी हो जाएगा। जो फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं सिरम टोली में जिसकी आधारशिला रखी गई और वह राजेंद्र चौक में कौन दफ्तर के पास का है, वो उसके काम में भी अभी तक जो एस्टिमेटेड है कि उसमें 20 महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, इसमें रेलवे को भी सहयोग करना पड़ेगा। तो ये रेलवे का सहयोग और राज्य सरकार का सहयोग जो नोडल डिपार्टमेंट है वो इसमें कोऑर्डिनेट करके जल्दी से काम शुरू करवाए और स्थानीय लोग भी सहयोग करें तो काम तेजी से हो सकता है। विवाद खड़ा करने के लिए कई विवाद कोई भी खड़ा कर सकता है और जिस कारण से काम जो है विलंबित होता है, लिंगर होता है। तो ये देखें कि आज जो मुख्यमंत्री ने जो शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए जो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आने वाले दिनों में और भी फ्लाईओवर्स बनेंगे। आप देखें कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि लोगों को अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए। देखिए ये पुरानी रांची है, चूँकि ये झारखंड 2000 में बना, उसके बाद ये एक पुराना शहर है, कमिश्नरी लेवल का ये शहर रहा है। जो बसावट है यहाँ पर कि आप देखें तो ये ओल्ड रांची के है, आप कहीं भी देखें कि सड़कें चौड़ी नहीं है। कारण क्या है कि ये पुराने कंस्ट्रक्शन पुरानी जो शहर की स्थिति है उसमें लोग हटना नहीं चाहते, उनकी गलियाँ जो है बहुत कम 8 फीट की है, 7 फीट की है, 10 फीट की हार्डली है, तो लोग उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सरकार भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर सकता। इस कारण से ये माना जाता है कि जो जो लेन है बाईपास तरह के क्षेत्र है उसको जोड़ दिया जाए तो शायद ये शहर के मेन शहर में जो लोड होता है वो लोड घटेगा, और जब लोड घटेगा तो जाहिर सी बात है कि जो पुरानी सड़कें हैं, जैसे आप देखें कि हरमुख बाईपास रोड है जो किशोरगंज होके आपके रातू रोड चौक तक आती है, वो अक्सर जाम रहती है। आप देखें कि 9-10 बजे के आसपास आप देखें कि कितने जाम की स्थिति रहती है, लोग परेशान रहते हैं, किसी का दफ्तर छूटता है, कहीं कोई एम्बुलेंस भीड़ में फंस जाती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं होगी। अलग अलग और भी फ्लाईओवर बनाने होंगे, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है कि कहां कहां पे बनाना है, जिस कारण से जो ट्रैफिक है जिनको बाहर शहर के बाहर जाना है तो वो उसी फ्लाईओवर का उपयोग करके, आप देखिए पटना देखिए पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है और कहीं भी वहां पर आपको जाम देखने को नहीं मिलेगा, तो वो स्थिति यहां भी आनी चाहिए, चूंकि यह भी एक डेवलपिंग कैपिटल है और सरकार इस पर ध्यान देना चाहती है और ध्यान दे रही है, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी वृद्धि होनी ही चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आम जन जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, राहगीरों को परेशानी होती है, रेलवे स्टेशन जाना हो तो परेशानी, हॉस्पिटल जाना हो तो परेशानी, दफ्तर जाना हो तो परेशानी, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तो ये परेशानी सबसे ज्यादा राजधानी रांची में। और उम्मीद कि अब फ्लाईओवर के बन जाने से, सड़कों के चौड़ीकरण हो जाने से यहाँ के निवासियों को इससे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया है और निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ वाला फैसला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।